सब्सक्राइब करें फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट चैनल और साथ में ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, इस वीडियो क्लास में हम प्रश्नावली 9.1 का 11वां सवाल हल करेंगे, ठीक है? और बच्चों, 1 से लेकर 10 तक सवाल मैंने आपको समझा दिए हैं। अगर आपने वो सवाल नहीं देखे हैं तो उनके लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उन सवालों को भी देख सकते हैं। तो बच्चों, यहाँ हमें सवाल दिया है कि एक पिक्चर फ्रेम के आरेख की बाहरी एवं अंतः विमाएँ क्रमशः 24 सेंटीमीटर × 28 सेंटीमीटर एवं 16 सेंटीमीटर × 20 सेंटीमीटर हैं, ठीक है? यदि प्रत्येक खंड की चौड़ाई समान है तो प्रत्येक खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए बच्चों, यह हमें एक पिक्चर फ्रेम दिया हुआ है और इस पिक्चर फ्रेम की बाहरी विमाएँ यानी बाहर की लंबाई चौड़ाई ये हमें दे रखी हैं 24 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर। यानी बच्चों, बाहर वाली ये भुजा और ये भुजा, ये दोनों भुजाएं हैं 24 सेंटीमीटर की, ठीक है? यहाँ पर भी हम 24 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। और ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, ये दोनों बाहर वाली भुजाएं हैं 28 सेंटीमीटर की, ठीक है? तो यहाँ पर भी हम लिख लेते हैं 28 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं अंतः विमाओं की, यानी अंदर की लंबाई और चौड़ाई की। तो बच्चों, अंदर वाली ये भुजा और ये भुजा, ये दोनों भुजाएं हैं 16 सेंटीमीटर की, ठीक है? तो यहाँ पर भी हम 16 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। और ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, ये दोनों भुजाएं हैं 20 सेंटीमीटर की, तो यहाँ हम लिख लेते हैं 20 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों? क्लियर हो गया? अब देखो बच्चों, इस पिक्चर फ्रेम में हमारे पास 4 खंड हैं। एक खंड है ये वाला, यानी ये, ठीक है? इसको हम खंड एक बोल देते हैं। दूसरा खंड है ये, इसको हमने खंड दो बोल दिया। और तीसरा खंड है ये, इसको हमने बोल दिया खंड तीन। और चौथा खंड है ये, इसको हमने बोल दिया खंड चार, ठीक है बच्चों? और सवाल में हमसे बोला है कि प्रत्येक खंड की जो चौड़ाई है ये समान है यानी बराबर है। अब प्रत्येक खंड की चौड़ाई हम किसे बोलेंगे? तो बच्चों देखो, अंदर वाली भुजा और बाहर वाली भुजा के बीच की जो लंबवत दूरी है यही होगी प्रत्येक खंड की चौड़ाई, यानी यहाँ से यहाँ तक की ये लंबवत दूरी, ये क्या है? प्रत्येक खंड की चौड़ाई है। जो चौड़ाई खंड एक की है यही चौड़ाई है खंड तीन की, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी। और यही चौड़ाई है खंड दो की, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। यही चौड़ाई है खंड चार की, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ठीक है? अब बच्चों, हमें करना क्या है? तो बच्चों, हमें प्रत्येक खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो देखो बच्चों, प्रत्येक खंड है समलंब के आकार का। अगर हम खंड एक की बात करें तो इसकी ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, ये दोनों भुजाएं समांतर भुजाएं हैं, ठीक है? बची ये दोनों भुजाएं, तो ये समांतर नहीं हैं। तो खंड एक क्या है? ये एक समलंब है। इसी प्रकार से अगर हम खंड तीन की बात करें तो इसकी ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, ये दोनों भुजाएँ हैं समांतर। बची ये दोनों भुजाएँ, तो ये समांतर नहीं हैं। तो खंड तीन भी क्या है? ये भी एक समलंब है। इसी प्रकार से खंड दो भी एक समलंब है और खंड चार भी एक समलंब है। तो अगर हमें प्रत्येक खंड का क्षेत्रफल निकालना है तो हमें क्या करना है? भाई, हमें समलंब के क्षेत्रफल के फॉर्मूले का प्रयोग करना है और हमें आसानी से प्रत्येक खंड का क्षेत्रफल निकाल लेना है। अब बच्चों, यहाँ पर हमारे सामने एक समस्या है। समस्या क्या है बच्चों? तो बच्चों, हमारे पास प्रत्येक खंड की जो समांतर भुजाएँ हैं इनकी मापें तो हैं, लेकिन इनके बीच की जो लंबवत दूरी है यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो कि प्रत्येक खंड की चौड़ाई है, ये हमारे पास नहीं है। तो सबसे पहले तो हमें चौड़ाई निकालनी है, तभी हम प्रत्येक खंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, ठीक है? तो देखो, चौड़ाई हम कैसे निकालेंगे? प्रत्येक खंड की चौड़ाई, इसको हम बोल देते हैं h, ठीक है? अब ये निकालेंगे कैसे? तो देखो बच्चों, आकृति को अगर हम इस वाली भुजा में इस खंड की चौड़ाई जोड़ दें, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ठीक है? और इसी भुजा में इस खंड की भी चौड़ाई जोड़ दें, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो कुल दूरी कहाँ से कहाँ तक हो जाती है? यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो जाती है, ठीक है? अब ये कुल दूरी होगी कितने सेंटीमीटर की? तो बच्चों, जितनी दूरी यहाँ से यहाँ तक की है ये है 24 सेंटीमीटर की, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी है 24 सेंटीमीटर की, ठीक है? अब बच्चों, अगर हम इस पूरी दूरी में से यहाँ तक की दूरी निकाल दें तो क्या बचेगा? भाई, ये दोनों दूरियाँ बचेंगी, ठीक है? अब ये दोनों दूरियाँ कितने कितने सेंटीमीटर की होंगी? तो देखो बच्चों, पूरी दूरी है 24 सेंटीमीटर की, इसमें से हमने यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकाल दी जो कि है 16 सेंटीमीटर, तो कितना बचेगा? भाई, 24 में से 16 निकाल दोगे 8 बचेगा। तो ये दोनों दूरियाँ
कुल 8 सेंटीमीटर की हैं। अब क्योंकि ये दोनों दूरियां आपस में बराबर हैं, क्योंकि ये दूरी खंड 4 की चौड़ाई है और ये दूरी खंड 3 की चौड़ाई है, और हमसे सवाल में बोला है कि प्रत्येक खंड की चौड़ाई समान है, तो ये दोनों दूरियां आपस में समान हैं, तो हमें क्या करना है भाई, 8 को भी दो समान यानी दो बराबर भागों में बांट देना है। तो 8 को जब हम दो बराबर भागों में बांटेंगे तो कितने कितने का होगा भाई, 4-4 सेंटीमीटर का। तो ये दोनों दूरियां कितने कितने सेंटीमीटर की बची हैं, ये हो गई 4 सेंटीमीटर और ये भी हो गई 4 सेंटीमीटर, ठीक है। 4 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, टोटल कितना हो गया, 24 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे भाई, प्रत्येक खंड की चौड़ाई निकालेंगे, जो कि क्या होगी, दोनों समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी, ठीक है। ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगी, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर और ये भी 4 सेंटीमीटर, ठीक। तो यहाँ हमें क्या करना है भाई, 24 में से जो कि कुल दूरी है, इसमें से हमें 16 को घटा लेना है, यानी इस पूरी दूरी में से यहाँ तक की दूरी को घटाना है, तो कितना बचेगा, 8 सेंटीमीटर। अब 8 सेंटीमीटर क्या है बच्चों, इन दोनों की कुल लंबाई है और ये दोनों दूरियां आपस में बराबर हैं, तो हमें 8 को भी दो बराबर भागों में बांट लेना है, तो इसके बटे में हमें 2 लगा लेना है, ठीक है। तो ये दो बराबर भागों में बट गया। अब 24 में 16 घटाएंगे, 8 बचेगा और बटे में 2 है। अब 2 से 8 हो जाएगा 4 बार में कैंसिल, तो हमें क्या मिल जाएगा भाई, 4 सेंटीमीटर। और ये क्या है बच्चों, ये प्रत्येक खंड की चौड़ाई है, यानी दोनों समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी है, ठीक है। अब हमारे पास प्रत्येक खंड की दोनों समांतर भुजाओं की मापें हैं और इनके बीच की लंबवत दूरी भी है। अब हम बहुत आसानी से प्रत्येक खंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम खंड एक का क्षेत्रफल निकालेंगे। खंड एक का क्षेत्रफल, फॉर्मूला क्या लगाएंगे, समलंब के क्षेत्रफल का, और फॉर्मूला है 1/2 गुणा दोनों समांतर भुजाओं का योग गुणा दोनों समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी। ये हो गया फॉर्मूला। अब इसमें हमें मान रख लेना है, तो 1/2 ज्यों का त्यों रहेगा गुणा में ए और बी, ये दोनों क्या हैं, समांतर भुजाएं हैं, तो खंड एक में ये दोनों समांतर भुजाएं हैं, इसको हम बोल देते हैं ए, तो ये हो जाएगी 16 सेंटीमीटर, और इस भुजा को बोल देते हैं बी, तो ये हो जाएगी 24 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ए 16 सेंटीमीटर प्लस बी 24 सेंटीमीटर और गुणा में एच, एच क्या है, दोनों समांतर भुजाओं की बीच की लंबवत दूरी, और ये हमारे पास कितनी है भाई, 4 सेंटीमीटर, जो चौड़ाई है यही तो है दोनों भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी, ठीक है। तो ये हमें कितनी मिली है, 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ आ जाएगा 4, ठीक है बच्चों। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 से 4 दो बार में हो जाएगा कैंसिल, क्या बचेगा, 1 गुणा 16 प्लस 24 गुणा 2, तो सबसे पहले अब हमें इन दोनों को जोड़ लेना है, तो ये हो जाएगा भाई 40 और गुणा में आ जाएगा 2, यहाँ गुणा में 1 है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 40 दूनी 80। अब क्योंकि दोनों दूरियाँ सेंटीमीटर में हैं, तो आंसर किस में होगा बच्चों, सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो ये हो गया खंड एक का क्षेत्रफल, ठीक है। अब हम खंड दो का क्षेत्रफल निकालेंगे। खंड दो का क्षेत्रफल, तो बच्चों फिगर को देखो, देखो खंड एक और खंड दो ये दोनों सेम साइज के हैं। देखो कैसे, खंड एक की ये भुजा 16 सेंटीमीटर है, ये भुजा है 24 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 4 सेंटीमीटर। अब बिल्कुल यही साइज खंड दो का है, ये वाली भुजा 16 सेंटीमीटर, ये भुजा 24 सेंटीमीटर और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर। तो खंड एक और खंड दो दोनों कैसे हैं, सेम साइज के हैं, तो इन दोनों के क्षेत्रफल भी बराबर होंगे। जो क्षेत्रफल खंड एक का है, यही क्षेत्रफल हो जाएगा खंड दो का, ठीक है। तो खंड दो का क्षेत्रफल बराबर होगा खंड एक का क्षेत्रफल, और खंड एक का क्षेत्रफल हमें मिला है 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यही हो जाता है खंड दो का भी क्षेत्रफल, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हमने खंड एक का क्षेत्रफल निकाल लिया और खंड दो का भी क्षेत्रफल निकाल लिया। अब हम निकालेंगे खंड तीन का क्षेत्रफल। खंड तीन का क्षेत्रफल, इसके लिए भी फॉर्मूला सेम रहेगा, क्योंकि ये भी समलंब के आकार का है। तो फॉर्मूला है 1/2 गुणा ए प्लस बी, यानी दोनों समांतर भुजाओं का योग गुणा में एच, यानी दोनों समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी, ठीक है। अब इसमें हमें मान रखने हैं, तो 1/2 ज्यों का त्यों रहेगा गुणा में ए और बी, ये दोनों समांतर भुजाएं हैं। तो देखो बच्चों, खंड तीन में ये दोनों समांतर भुजाएं हैं, इसको हम बोल देते हैं ए, ये हो जाएगी 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और इस भुजा को बोल देते हैं बी, ये हो जाएगी 28 सेंटीमीटर, और दोनों के बीच की लंबवत दूरी क्या रहेगी, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। जो चौड़ाई है यही क्या है, दोनों समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी, और ये हमें मिली है 4 सेंटीमीटर। तो ये मान हमें यहाँ रखने हैं, ठीक है। ए 20 सेंटीमीटर प्लस बी
28 सेंटीमीटर और गुणा में एच 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 2 से 4 दो बार में कैंसिल हो गया, बचा क्या 1 गुणा 20 प्लस 28 गुणा 2। तो सबसे पहले हमें इन दोनों को जोड़ लेना है, तो ये हो जाएगा भाई 48 और गुणा में आ जाएगा 2। ठीक है, और 48 दूनी होता है 96। अब क्योंकि दोनों दूरियां सेंटीमीटर में हैं तो आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया खंड 3 का क्षेत्रफल। ठीक है, अब बच्चों हम खंड 4 का क्षेत्रफल निकालेंगे। खंड 4 का क्षेत्रफल, तो देखो बच्चों आकृति में खंड 3 और खंड 4 ये दोनों भी सेम साइज के हैं, क्योंकि खंड 3 की ये भुजा 20 सेंटीमीटर है और ये भुजा है 28 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 4 सेंटीमीटर। अब यही साइज है खंड 4 का, ये भुजा 20 सेंटीमीटर, ये भुजा 28 सेंटीमीटर और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो दोनों ही खंड आपस में हैं बराबर। जो क्षेत्रफल खंड 3 का होगा वही क्षेत्रफल होगा खंड 4 का। ठीक है, तो खंड 4 का क्षेत्रफल बराबर होगा खंड 3 का क्षेत्रफल, और खंड 3 का क्षेत्रफल बच्चों हमें कितना मिला है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो खंड 4 का क्षेत्रफल भी हो जाता है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस प्रकार हमने प्रत्येक खंड का क्षेत्रफल निकाल लिया। यहाँ पर हमारा आंसर हो गया कंप्लीट। अगर सवाल आपको समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अपने अगले वीडियो क्लास में।